गुजर प्रत्यारोह के मंदिर किस शैली में थे? हजार बार पेपर में आ चुका है। गुजर प्रत्यारोह के मंदिर कौन सी शैली में थे? महामारू शैली में। और वत्सराज भाई साहब ने मंदिर बनवाए थे वो एक मंदिर, इसने सर्वाधिक मंदिर बनवाए ओसिया में। ओसिया कहां पर है? जोधपुर में। यहां इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, महावीर स्वामी का मंदिर, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर स्वामी तो जानते हो ना, किस धर्म का था? जैन धर्म का। कौन सा तीर्थकर? 24वां तीर्थकर। पहले 23 और रह गए, 23वां कौन? पार्श्वनाथ 23वां था। पहला कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? वत्सराज ने। कहां पर? ओसिया में। यहां इन्होंने एक सूर्य मंदिर बनवाया था। यहां इन्होंने एक शंकर भगवान का मंदिर बनवाया था। अपा शंकर भगवान ने हरि हर 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 महादेव बोला, हरिहर महादेव। यहां इन्होंने एक विष्णु मंदिर बनवाया था। तो विष्णु भगवान का मंदिर, शिव जी का मंदिर, जैन धर्म का मंदिर, सूर्य मंदिर, खूब सारे मंदिर कहां पर बनवाए? ओसिया में। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला वत्सराज का मंदिर कौन सा है? महावीर स्वामी का मंदिर। किसी इतिहासकार पहुंचा, उसने कहा अच्छा यहां जितने जैन मंदिर है उतने मंदिर भुवनेश्वर में भी थे। उड़ीसा की राजधानी कौन सी? उसने कह दिया ये तो राजस्थान का भुवनेश्वर है। तो अपने कभी प्रश्न पूछ ले भाई, राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। इतनी सी बात किसकी थी? वत्सराज की। मोटी मोटी बातें, पिता का नाम देवराज, माता का नाम सुंदर देवी, उपाधि रणहस्तिन, त्रिपक्षीय संघर्ष का जन्मदाता था, बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल को हराया था और दक्षिण भारत के राजा राष्ट्रकूट से हार गया था। कौन? वत्सराज। और इनके काल में दो विद्वान थे, उद्योतन सूरी और जिन सेन। उद्योतन सूरी ने किताब लिखी कुवल्यमाला, 18 भाषाओं में थी, मारवाड़ी भाषा में मरुवाणी कहते हैं। दूसरी किताब का नाम क्या है? हरिवंश पुराण। इसने मंदिर बनवाए। गुजर प्रतिहारों के मंदिर किस शैली में थे? महामारू शैली में है। और इन्होंने मंदिर बनवाए वो जोधपुर में, कौन सी जगह पर? ओसिया में। और मूल मंदिर कौन सा था? यहीं पर सूर्य मंदिर है, हरिहर मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, इसलिए ओसिया को क्या कहते हैं? भुवनेश्वर। ये वत्सराज की बात पूरी लिखाऊंगा आगे, मंदिर पर डांगा जाना, सबसे लेके अलग अलग विशेषता, ठीक है? तो ये वत्सराज की बात पूरी हो गई। पल्ले पड़े के दो चार नाम छापो। लास्ट में लाइन मैंने कौन सी लिखवाई थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। लिख लिया क्या? अगला पॉइंट लिखो। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत उत्तर भारत का गुजर प्रतिहार वंश, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत गुजर प्रतिहार वंश गुजर प्रतिहार वंश कोमा बंगाल का पालवंश, बंगाल का उत्तर भारत का गुजर प्रतिहार वंश कोमा बंगाल का पालवंश व दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट राजवंश शामिल था। दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट राजवंश शामिल था। हाँ ठीक, दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट राजवंश शामिल था। तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है? राष्ट्रकूट राजवंश शामिल। लिख लिया तीनों नाम याद रखने, तीन त्रिपक्ष तो तीन पक्ष हैं। अगला पॉइंट लिखो। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए
वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल को तो पराजित किया था लेकिन आता ही गयो लेकिन राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव के हाथों पराजित होना पड़ा। किसको? वत्सराज को। हराता किसको है? धर्मपाल को। बंगाल वाले को तो पीटता है लेकिन दक्षिण वाले से पिट जाता है। अगला पॉइंट लिखो। ध्रुव दक्षिण भारत का प्रथम शासक था। जिसने उत्तर भारत के राजा वत्सराज को हराया था तो ध्रुव पहला आदमी है। इससे पहले आज तक उत्तर वाले किनको पीटते थे? दक्षिण वालों को पीटते थे। हर युद्ध में पहला आदमी है जिसने कभी उत्तर वाले को पीटा। वहां तक तो ठीक है। वो एल्बम और बनवाया किसने? ध्रुव ने। नीचे लिखो। राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव ने गंगा यमुना के पदचिन्हों का एल्बम बनवाया था। किसने? ध्रुव ने। तो यहाँ सीधे सीधे से जितने प्रश्न मैंने लिखा है वो सारे आ गए। शुरुआत कौन करता है? किसकी मृत्यु के बाद? किस क्षेत्र को लेकर? किन किन के मध्य? पल ये उत्तर भारत वाला बंगाल वाले को पीटता है, दक्षिण वाले थे पीट जाते। युद्ध हुआ उस समय कन्नौज में किस वंश का शासन था? यहाँ तक याद रखना। एक गरीब सा वंश है, कौन सा? आयुध वंश। नीचे लिखो। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज में आयुध वंश का शासन था। हाँ, आयुध है लिखवाया था मैंने शायद कहीं। कन्नौज में आयुध वंश का शासन था। अगला पॉइंट लिखो।
कन्नौज के उपनाम, कन्नौज के उपनाम। नंबर एक कान्यभुज, कान्यभुज। नंबर दो सम्राटों की क्रीड़ा स्थली, सम्राट का मतलब राजा, क्रीड़ा का मतलब खेल, तो लड़ाई लड़ाई हुई तो खेलते थे यहाँ, सम्राटों की क्रीड़ा स्थली, सम्राटों की क्रीड़ा स्थली। और तीसरा महोदया नगर, महोदया नगर। ये तीनों नाम ही किसके हैं? कन्नौज के। अगला पॉइंट लिखो, वत्स राज के काल में, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना लाइन के, वत्स राज के काल में बीनमाल के प्रसिद्ध विद्वान उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी ने कुवल्ले माला, कुवल्ले माला, नीचे अंडरलाइन कर लेना, कुवल्ले माला नामक ग्रंथ की रचना की थी। जो 18 भाषाओं में रचित है, ये 18 पूछा है तीन चार बार अब सीख, 18 भाषाओं में रचित है। रचित है, रचना की गई है कितनी भाषाओं में? 18 भाषाओं में। और मारवाड़ी में इसे क्या कहते हैं? ऐसे लिखो, मारवाड़ी में इसे मरुवाणी के नाम से जाना जाता है। मरुवाणी के नाम से जाना जाता है। दूसरा लिखना, जिन सेन ने हरिवंश पुराण, जिन सेन ने हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने? जिन सेन ने। अगला पॉइंट लिखो, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर, गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं, महामारू शैली में बने हुए हैं। नीचे अंडरलाइन कर लेना, कौन सी शैली में? महामारू शैली में बने हुए हैं गुर्जर प्रतिहारों के मंदिर। अगला पॉइंट लिखो, वत्सराज ने ओसियामी, इसके भी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना लाइन में, महामारू के नीचे अंडरलाइन कर लेना, वत्सराज ने ओसियामी, ओसिया कोष्ठक में जोधपुर कर लो, ओसिया कहाँ पर है? जोधपुर में। वत्सराज ने ओसिया में
महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। महावीर स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट लिखना, ओसिया में, या यहाँ पर ऐसे ओसिया ही लिख लो, ओसिया में ओसिया में सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर व विष्णु का मंदिर बना हुआ है। सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर व विष्णु का मंदिर बना हुआ है। अतः इसे, अतः इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अतः इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो राजस्थान का भुवनेश्वर किसको कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। किस कारण से? मंदिर निर्माण कला के कारण। मंदिर निर्माण कला के कारण क्या कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर? हालांकि भुवनेश्वर मूलतः है कहाँ पर? उड़ीसा में एक जगह पड़ती है, पुरी। पुरी नाम सुना ना, जगन्नाथ मंदिर है, भगवान विष्णु का ही मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। उधर और खूब सारे जैन धर्म के मंदिर हैं, इसलिए भुवनेश्वर है वो प्रसिद्ध था। इधर भी जैनों का मंदिर पहला बना है, तो इसको भी क्या नाम दे दिया? भुवनेश्वर। तो याद रखना सारी बातें, ये वत्सराज की इतना सारा काम कर रहा है, इसलिए वत्सराज को कह दिया गुजर प्रतिहार काल का वास्तविक संस्थापक। हालांकि कई जगह आपको नागवट फेस्ट मिलेगा, वो प्रतिहारों में है, पहला वास्तविक है, लेकिन मूलतः वास्तविक इसी को मानेंगे। तो मैं वहाँ नहीं लिखा कर यहीं लिखा रहा हूँ। लिखो, वत्सराज को, वत्सराज को गुजर प्रतिहार वंश का, वत्सराज को गुजर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये वत्सराज पूरा, वत्सराज के बाद में इनका पुत्र शासक बना है नागभट्ट सेकंड, और नागभट्ट सेकंड है 800-795 में मरा था वो, तो 795 से लेकर 833 तक, 795 से कब तक है? 833 तक। कौन? नागभट्ट। फुन्ना इनकी बात, पहली बात, ये भगवती देवी का परम भक्त था, भगवती देवी का परम भक्त था। कौन? नागभट्ट। और अगर इन देवियों के जो भक्त हैं उन पर देवी का आशीर्वाद हो जाए ना, तो बेड़ा पार ही है। उधर 1857 की क्रांति हुई, ठाकुर कुशाल सिंह था, सुगाली माता का परम भक्त था, और सुगाली माता का आशीर्वाद मिला, इसलिए अंग्रेजों को दो बार धूल चटाई, एक बिठोड़ा के युद्ध में और एक चेलावास के युद्ध में। कर्ण अर्जुन फिल्म तो देखी है, कर्ण अर्जुन फिल्म में शाहरुख खान सलमान खान थे, उनको काली माता का आशीर्वाद था, इसलिए अमरीश पुरी को भगा भगा कर मारा था, देखे ना। हाँ, शिवाजी महाराज रहे। तो जिन पर देवी का आशीर्वाद है उनके बेड़ा पार हैं। मैं तो चाहता हूँ अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत सरस्वती देवी का हो जाए, तो राजा तो न बने पर नौकरी तो लग जाए ना। तो ये कौन सी देवी का परम भक्त था? भगवती देवी का परम भक्त था। इस भाई साहब ने एक छोटी सी उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बड़ी अलंकी।
हाँ, बड़ी उपाधि जल्दी याद होती है, मैं ये और बताऊं, गलती छोटकी वाले में होती है। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी किसने? नागभट्ट सेकंड ने। ये की ये उपाधि मैं चौहानों में लिखाऊंगा, पृथ्वीराज फर्स्ट की। चौहान वंश पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक पृथ्वीराज फर्स्ट नाम का राजा आएगा, उसकी भी ये की ये सेम उपाधि है। और अभी पीछे कोई एग्जाम लगी थी अपने जेईन की, तो उसमें प्रश्न पूछा कि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि, पहला ऑप्शन में दे रहा क्यों नागभट्ट सेकंड, अरबी का आज्ञा ये लिख रहा क्यों, की उपाधि किस चौहान शासक की थी? आधा चौहान नाम ही कौन पढ़ो, अतो ही पढ़ो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, ए ऑप्शन में क्या दिख रहे हो? सही कर रहा, जय माता दी, ओ एक तो सही है। बाद में बिन पढ़ो ना जना बेरो पढ़ो कि किस चौहान शासक की, जना एक ही नाम निकला मुखसू, ओ को मतलब वह एक बटा चार और अब वह एक बटा तीन। हाँ पाछा अपने मुखसू निकला गोलो भर बाद में क्या हुआ है, तो ध्यान नहीं रखना, प्रश्न पूरा पढ़ के उत्तर करना। कौन सी उपाधि थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, किसकी उपाधि है? ये की उपाधि किस चौहान शासक की? पृथ्वीराज फर्स्ट की मिलेगी। इस भाई साहब ने भी एक दरबार लगाया, कौन सा? नागावलोक दरबार है। अब ध्यान देना है दोनों का, अगर कभी पूछ ले कि नागावलोक दरबार जो है वो किन शासकों का था, दोनों देते तो दोनों करना उत्तर, और अगर दोनों नहीं है तो पहला ही आएगा नागभट्ट फर्स्ट ही, दोनों दे दे और एक ही ऑप्शन पूछे तो नागभट्ट फर्स्ट आएगा। बात समझ में आ गई? ये भी वो विधि चालू रखता है, कौन सी? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो त्रिपक्षीय संघर्ष किसके समय भी शुरू है? वत्सराज के समय भी शुरू, वत्सराज ने शुरू किया था, नागभट्ट के समय भी शुरू है। तीन पक्षों के बीच में लड़ाई है, वही तीन पक्ष हैं। एक तो कौन है? खुद है ये कौन? प्रतिहार। एक कौन है? पालवंश वाले। एक कौन है? राष्ट्रकूट। कहाँ पर थे? दक्षिण भारत में। पाल कहाँ पर हैं? बंगाल में। और उत्तर भारत में कौन है? गुजर प्रतिहार है। और पहले देखो, पहले यहाँ वत्सराज था, यहाँ धर्मपाल था, यहाँ धुरुए था, यही थे ना। अब वत्सराज मर गया तो उसका पुत्र राजा बन गया, उसका नाम क्या है? सेकंड। पालवंश का वही बंदा है जो पहले था, कौन? धर्मपाल। और राष्ट्रकूट का धुरुए मर गया, उसका पुत्र राजा बन गया गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, धुरुए की जगह कौन है? गोविंद तृतीय। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या करता है? वो की वो बात ये कन्नौज जाता है, और त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाकर, आयुध वंश वाले को दोबारा पीट दिया बेचारे को। तो इन तो पहली ही पीटी हो, जब मारेड़ा तो हर कोई मार ले, तो आयुध वंश वाले को चक्रायुध को फिर पीट दिया। बंगाल वाले को पता चला गया यार उसने अधिकार कर लिया, तो बंगाल वाला फिर हिम्मत करता है एक बार, और धर्मपाल फिर गया कहाँ पर? धर्मपाल को भी दोबारा पीट दिया। तो वो तो पिटेड़ो है ना, पिटेड़ा तो हर कोई पीट ले, तो बंगाल वालों को तो बेचारों को हर बार ही पीटते हैं, कौन? गुजर प्रतिहार। धर्मपाल की दोबारा पिटाई कर दी। दक्षिण भारत वाले को पता चला कि यार वो फिर वहाँ अधिकार कर ले रहा, तो ये तो गलत बात है, इसलिए गोविंद तृतीय गया। और गोविंद तृतीय ने जाते ही नागभट्ट सेकंड को पीट दिया। तो देखो त्रिपक्षीय संघर्ष में सीधों से याद रखियो कि त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत बंगाल वाले को तो पीटते थे, दक्षिण वाले से पीटते थे। दक्षिण वालों से पीट रहे हैं कौन? गुजर प्रतिहार। तो इसको दोबारा पीट दिया किसको? और ए दक्षिण वाला है ना, ए मारता बहुत सूगला। दक्षिण की फिल्म देखेड़ी है ना, दे अठे पड़े बठे, कैमरा की सेटिंग है वा। तो ए दक्षिण वाला सूगला मारता, नागभट्टला ने ढंगसू मारा, नागभट्ट वापस चला गया। छः एक महीने बाद क्या हुआ, ये गोविंद तृतीय वापस आ गया, कौन आ गया? और उधर वो आयुधवंश का एक और कोई इंद्रायुध नाम का राजा था, उसको बनाकर आ गया कि तू यहाँ बैठ। नागभट्ट ने बेरो पड़ेगी यार वो तो गई हो वापस। नागभट्ट एक दिन अपनी सेना लेकर आया, और आते ही नागभट्ट ने इंद्रायुध को पीट कर और कन्नौज में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। अब राज्याभिषेक करवा के राजा बन के बैठा है, कहाँ का? कन्नौज का। अपने परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि गुजर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का संस्थापक,
तो कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन है? बीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? मंडोर शाखा का संस्थापक कौन था? मंडोर का हरिश्चंद्र है, बीनमाल उज्जैन का नागभट्ट फर्स्ट है और कन्नौज का नागभट्ट सेकंड है। तो पहले तो एक संस्थापक ही पढ़ा था मैं, करे पढ़ता पढ़ता आ जाता तो कर 50-60 संस्थापक तो पढ़ लेंगा और जठानते यहीं भी भूल जाएगा जी गुजर प्रतियार को भी कुणो, जबकि पहला ही दिन था पहला आदमी पढ़ा था। तो इतने संस्थापक हो जाएंगे, एक प्रश्न संस्थापकों का पक्का आएगा, इसमें कोई मीनमेक है नहीं। तो याद रखना इस बात का कि कन्नौज में संस्थापक कौन बन गया? नागभट्ट। इन बेरो पड़गो किन्ने बंगाल आनंद पर चुपचाप बैठे क्योंकि बेचारा की दोबर पिटाई हुई और सोचा बलंदे जो कर लियो अपने के मतलब है कौन है धर्मपाल। ये गोविंद तृतीय ने छह एक महीना बाद में बेरो पड़े गिर वो तो बैठे राजा ही बन के बैठे कौन है? तो ये कन्नौज में राजा बन के बैठा है और इसकी सेना ऐसे खड़ी है, सैनिक ऐसे रहते ही थे इनके। इन बेरो पड़े वो वापस चल है दक्षिण भारत से कौन है? अपनी सेना लेकर गया। अन्य सैनिका ने बेरो पड़े कि कौन आ रहे गोविंद तृतीय, तो गोविंद तृतीय सु पहली एक खूब पिटेड़ा अन डंगसू पिटिया कौन गोविंद तृतीय, तो ए दो ने बोलिया देख भाया गोविंद तृतीय आवे आप तो ए चलिया ए भागगा, ए आगला दो ने बोलिया गोविंद तृतीय आवे आप तो ए चलिया ए भी भागगा कौन सैनिक, ए दो अन कह बोले गोविंद तृतीय आवा आप तो ए चलिया, ए दो थोड़ी देर तो रुकिया और लास्ट में इन कह ए भी भागगा किन नागभट्ट की गोविंद तृतीय आवे आपनू पहले ली सी मार दोबारा कौन खाई जा ए भागगा। नागभट्ट सेकंड ने पता चलो कि सही भागगा अपन एकला ने सुगला मारे को ओ उठ के भाग्यो गंगा नदी में जार कूदर आत्महत्या कर ली, गंगा नदी में आत्महत्या कर ली किसने? किस उडर तो गोविंद तृतीय पर आपा यहाँ कौन लिखांगा भाई गंगा नदी में कूद कर आत्महत्या की, आप तो यहाँ लिखांगा कि नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ली कौन ली के का ड्रसू। तो परीक्षा में वो पूछेड़ो प्रश्न है कि गुजर प्रतियार वंश के किस शासक ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी, तो जल समाधि लेने वाला कौन है? नागभट्ट सेकंड। तो याद रखना ये नागभट्ट सेकंड की इतनी बातें हैं बस और कोई बात नहीं है, किसकी? नागभट्ट सेकंड की। तो कन्नौज शाखा का संस्थापक कौन है? अच्छा प्रश्न ये बनता है। और दूसरा ये समय याद करना है, देखो अब तक जो पढ़े हो ना भी मैं दो ही तारीख याद करनी है, दो ही सन या तो 510 ईस्वी स्थापना की थी क्या 510 ईस्वी या 6 शताब्दी या 833 याद रखना है कि नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि कब ली थी 833। तो दो सन याद करनी है, ज्यादा सन के झंझट में मत पड़ना क्योंकि सन में याद करने होंगे मन ध्यान है एक ससु कम याद हुए तो दो तो याद करनी है। 510 में क्या हुआ? स्थापना हुई थी कौन से क्षेत्र में? मंडोर में। किसने की थी? 833 में क्या हुआ? जल समाधि ले ली कौन सी नदी में? गंगा नदी में। तो यह है नागभट्ट सेकंड की बात लिखो। नागभट्ट सेकंड पहला पॉइंट लिखो, ये भगवती देवी का परम भक्त था, ये भगवती देवी का परम भक्त था, दूसरा पॉइंट लिखना, उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, उपाधि लिखना परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, नागभट्ट सेकंड ने नागावलोक दरबार का आयोजन किया था, इन्होंने नागावलोक दरबार का आयोजन किया था।
अगला पॉइंट लिखना। नागभट्ट सेकंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल को तो पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा। किसके हाथों पराजित होना पड़ा? गोविंद तृतीय ने पराजित कर दिया किसको? नागभट्ट सेकंड। लेकिन बाद में ये वापस आ जाता है तो ये राजा बन ही जाता है। कौन? नागभट्ट। नीचे नोट डाल के लिखो। गुर्जर प्रतिहार वंश की कन्नौज शाखा का संस्थापक नागभट्ट सेकंड था। अब इधर ध्यान देना, कहाँ का कौन कौन है? तो मंडोर का संस्थापक कौन? बीनमाल। और उज्जैन का संस्थापक कौन? कन्नौज का संस्थापक कौन? सारी बातें याद रखनी है। कौन सी जगह कौन संस्थापक बना हुआ है? ये हरिश्चंद्र वाला तो पूछा ही था, मंडोर तो पूछते रहते हैं हर बार किसी न किसी प्रकार से। मंडोर आगे चलकर वो हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़, तो राठौड़ों की और राजधानी बनेगी कौन सी? मंडोर। तो मंडोर दो चार बार है लिख लिया। ये बात हो गई किसकी? नागभट्ट की। नागभट्ट के बाद में शासक कौन बना? इनका एक पुत्र है रामभद्र, वैसे कोई काम का है नहीं ये। हाँ अच्छा, वह लाइन नहीं लिखवाई क्या? एक लाइन और लिखो। 833 ईस्वी में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में डरतो मरियो पुन लिखनो पड़ा समाधि। हाँ 833 ईस्वी में नागभट्ट सेकंड ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। आपने जल समाधि कोई कौन ले, माटी में तो जरूर ले ले कोई। जल समाधि ली थी। राजा कौन? रामभद्र। कोई काम का नहीं है, बस एक काम का कि इसका पुत्र ज्यादा काम का है। ये न होता तो पुत्र कहां से आता, बस इसलिए एक काम का। पहली बात है, इनके पुत्र का नाम था मिहिर भोज।
और मिहिर भोज को कहते हैं भोज फेस्ट। ये पुत्र है किनका? और रामभद्र निकम्मा था, बिना मतलब की बातें करता था। तो एक दिन गुस्सा आया मिहिर भोज ने और मार दिया, अपने बाप को ही मार दिया। तो हिस्ट्री में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, ऐसे मारते रहेंगे ये, ठीक है। और मारने के पीछे रीजन भी है कि पहले खूब सारे होते थे, एक ही राजा के 8-10 टाबर होते थे, कम से कम एक रानी के ही होते थे, 5-7, तो 5-7 रानियाँ ही होती थी, इसलिए लड़ने झगड़ने वाली वो भी कोई झंझट था नहीं। हमारे टाइम पर भी तो कुछ स्कूल में जाते थे तो पिताजी मम्मी जी मास्टर को कह देते थे, ठोकना इसको ढंग से नहीं पड़ता घर पे आके, और मास्टर जी भड़ास निकाल ही लेता, अब थोड़ी मार ले। अब तो असंभव है ये बात है, और उस समय की बात है। तो इसने हत्या कर दी, किसकी? रामभद्र की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी थी। रामभद्र की हत्या मिहिर भोज ने की थी, इसलिए अपने इतिहासकारों ने कहा अच्छा बाप को मार रहा है, पिता का हत्यारा, पितर हंता शासक। किस वंश का? ये ध्यान रखना, गुजर प्रतिहार वंश का, यही है पहला। गुजर प्रतिहार वंश का पितर हंता शासक कौन था? आगे पढ़ते रहेंगे, लाइन टू लाइन लिखते रहेंगे कि चौहानों में पितर हंता शासक जगदेव था, जिसने अपने पिता अरुणोराज को मार दिया था। मेवाड़ वालों में पितर हंता शासक उद्दा था, जिसने अपने पिता कुंभा को मार दिया था। मारवाड़ वालों में पितृहंता शासक मालदेव था, जिसने अपने पिता गंगा को मार दिया था। तो आगे पितृहंता खूब सारे आएंगे, पहला पितृहंता यही है, पिता का हत्यारा कौन है? मिहिर भोज। इनकी कोई ज़्यादा बात है नहीं, मिहिर भोज ठीक शासक है, परीक्षा में प्रश्न भी आते रहते हैं, ये ढंग से पढ़ना है मिहिर भोज। या इसी का नाम क्या है? भोज फेस्ट। कार्यकाल है इनका 836 से 885 तक, सब कुछ याद करना है। सारी बातें याद करनी है, किसकी? मैं काल भी याद करना है, ये और किसी का काल याद नहीं करना। 836 से 885 तक कौन है? मिहिर भोज। पहला प्रश्न सुनना, मिहिर शब्द का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक। मिहिर जो शब्द ही है ना, इस शब्द का अर्थ होता है सूर्य का प्रतीक, सूर्य का प्रतीक मिहिर शब्द का अर्थ है, ये इनकी उपाधि थी। दूसरा प्रश्न सुनना, गुजर प्रतिहार वंश के शासकों में, गुजर प्रतिहारों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यही था। तो कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि गुजर प्रतिहार वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था, क्योंकि इस मिहिर भोज का जो राज था वो दक्षिण उत्तर में अपने वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक था। विंध्याचल मध्य प्रदेश में, उत्तर में हिंदू कुश पर्वत है, वहाँ तक इस बंदे का अधिकार था, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन? मिहिर भोज। इनकी जानकारी के स्रोत हैं, जानकारी के तीन स्रोत हैं। सबसे पहले बड़ा जानकारी का जो स्रोत है वो है ग्वालियर प्रशस्ति, याद करो, बताया था मैंने। मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? बालादित्य इसके रचयिता थे, लेखक थे, और इसमें उपाधि भी मिलती है नागभट फेस्ट की भी, मलेच्छों का विनाशक और नारायण की प्रतिमूर्ति। मिहिर भोज की उपलब्धियों की जानकारी कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में। और इस ग्वालियर प्रशस्ति में इनकी उपाधि मिलती है दो, एक उपाधि है मिहिर और एक उपाधि है आदिवरा है। ये मैंने वहाँ नहीं लिखाई, क्योंकि ये मैंने लिखवानी थी भाई महा इस यहाँ पर कि मिहिर भोज जो है उसकी जानकारी का मूल स्रोत यह है, इसकी दो उपाधि मिलती है मिहिर और आदिवरा। ध्यान देना, मिहिर भोज शंकर का अनुयायी है। कौन से धर्म का अनुयायी है? लेकिन भाई साहब ने उपाधि धारण कर रखी है विष्णु भगवान की, उपाधि कौन सी है? तो शायद तक लगभग एग्जामों में ये प्रश्न पूछते हैं कि आदि वराह की उपाधि किसकी थी। मिहिर भोज की उपाधि कौन सी है? आदि वराह। खुद शंकर का अनुयायी है, उपाधि लेकर के विष्णु वाली, वराह अवतार किसका? विष्णु के 10 अवतारों में, इसलिए पूछते हैं कि आदि वराह की उपाधि किसकी थी? मिहिर भोज की।
दूसरा इनका जानकारी का स्रोत है एक और अभिलेख मिला कोई दौलतपुर अभिलेख, और दौलतपुर अभिलेख में इनकी एक उपाधि मिलती है, उस उपाधि का नाम है प्रभास। प्रभास हम सुबह सुबह के समय को कहते हैं, सूर्य उदय होता है तो प्रभास नाम की भी इसकी उपाधि है। तो कोई सीधा सा पूछ ले कि मिहिर भोज की उपाधि कौन सी नहीं है, तो तीन तो इनकी उपाधियां हैं, एक उपाधि कौन सी है मिहिर, एक उपाधि कौन सी है आदिवराह है, एक उपाधि कौन सी है प्रभास, तीन तो इनकी जानकारी है। एक और इनकी जानकारी का स्रोत है, पहला जानकारी का स्रोत कौन सा, दूसरा एक और इनकी जानकारी का स्रोत है वो है कलहण का ग्रंथ, और कलहण के ग्रंथ का नाम क्या था, अपन पांच सात प्रश्न आवे थाने भी बेरा ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को, और मेघस्थनीज की किताब का नाम क्या था, इंडिकार, राजतरंगिणी पुस्तक किसकी थी, कलहण की, ए तो अपन बचपन का ही आवे, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ए कोई खास बात को इन किताब को नाम के राजतरंगिणी, ध्यान देना इस किताब की पूरी बातें बता रहा हूँ। कलहण भाई साहब 12वीं शताब्दी का विद्वान है, ये एक जयसिंह वहाँ का शासक हुआ करता था, जयसिंह लोहार वंश का, लोहार वंश का राजा है, और जयसिंह भाई साहब कश्मीर का है, और कलहण इस जयसिंह का दरबारी विद्वान है, किसका, तो कह कलहण कह कश्मीर है तो कश्मीर का, और किस वंश का दरबारी विद्वान है, जयसिंह का दरबारी विद्वान है जो लाहौर वंश का राजा था। इसने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी, राजतरंगिणी के 8 भाग हैं, पिछली बार नेट के एग्जाम में पूछा था स्ट्रीम में, राजतरंगिणी के कितने भाग हैं, 8 भाग है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, कश्मीर का इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है, तो कौन सी में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। आपने फिल्म देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, किसने नहीं देखी, थोड़ी बहुत देखनी भी चाहिए, कोई कहेगा फिल्म देखने की शिकार है, बाकी हकीकत बात यह है कि उसमें 2-3 चीज़ें होती है, एक तो 2.5 घंटे अपना दिमाग एकदम स्थिर होता है, न तो कोई अड़ोसी पड़ोसी की बात याद आवे, न कोई चुगली करनी पड़े, दूसरी शर्त यह है कि उसमें दिमाग स्थिर होता है, वर्कलोड होता नहीं, हम तो आराम से देख रहे हैं बस, कभी ये सोचते नहीं याद करें, तो उसमें बिना देखे बिना याद किए ही अपने पूरा सिस्टम याद हो जाता है, फिल्म निकलते याद होता ना भाई ये ऐसे 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 हुआ था, और वहाँ से अपहरण किया गया, और वहाँ ले जाया गया, और वहाँ मारने की कोशिश की गई, हीरो कभी मरता नहीं है, एकदम सामने भी गोली चला दी ना तो गोली लग जाती है तो डॉक्टर वापस निकाल देता, गुंडा के एक लगता ही, हाँ फिल्म का रूल होता, तो फिल्म देखने से 7 दिन में 1 दिन लत खराब है हर चीज़ की, और मानव देह इसमें लत पड़ी जाती है, चाहे कोई काम की डाल दो, तो 7 दिन से 1 दिन भी अगर देख ले थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। द कश्मीर फाइल्स देखने इसलिए ज़रूरी थी कि कश्मीर के ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार का अत्याचार किया गया था उस बात की जानकारी, उसमें एक लड़का लास्ट में बोलता है कि कलहण की रचना, कलहण ने राजतरंगिणी की रचना की थी जिसमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है, इन बातों पर भी गौर करना है थोड़ा कि कलहण ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, राजतरंगिणी की, जिसमें जानकारी किसकी मिलती है, कश्मीर की, तो वो पूरे इतिहास की बात बताता है उस समय, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना था, बाकी खैर जो भी है। अब देखना यहाँ पर अधिकार मिहिर भोज का था, कि मैंने बताया हिंदू कुश पर्वत से अधिकार है, हिंदू कुश से कहाँ तक, विंध्याचल तक अधिकार है, इसलिए पूछ लेते हैं कि मिहिर भोज की जानकारी किस किताब में, तो मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख, या मैं ये बोलूँ मिहिर भोज की जानकारी कलहण के ग्रंथ राजतरंगिणी में भी मिलती है, क्योंकि राजा प्रसिद्धि था वहाँ तक अधिकार था, इसलिए जानकारी तो मिलनी थी। तो 3 ग्रंथ हो गए, कौन कौन से, एक तो ग्वालियर प्रशस्ति, सबसे बड़ा तो सारे नाम देकर भी पूछ लेना कि मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है, तो ऑप्शन में ग्वालियर प्रशस्ति है तो पहले ग्वालियर ही करना है, ग्वालियर भी दे दे, दौलतपुर भी दे दे, राजतरंगिणी भी दे दे, और नीचे दे वो कूट, नया प्रश्न आया करें आपने, कूट आपने तो अन्नकूट आया करें, अन्नकूट महोत्सव भी मैं कूट ही दी बैठे, और ढंग से नहीं याद करें जहाँ कुटी जाए, ठीक है, तो वो जो अगर दे दे तो वो 3 मिलाने वाले, तो तीनों में आएंगे, कौन कौन से आएंगे, एक तो राजतरंगिणी है जानकारी का स्रोत, एक कौन सा अभिलेख है,
और एक कौन सा अभिलेख है? ग्वालियर प्रशस्ति में दो उपाधि है, दौलतपुर में एक उपाधि है, राजतरंगिणी में इसकी उपलब्धियों का जानकारी मिलती है। आगे सुनना, मिहिर भोज के समय वो युद्ध हुआ कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष इसने भी किया। इन्होंने दोनों में दोनों को पराजित किया है। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के राजा था कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था दक्षिण भारत का, उसका नाम था कृष्ण तृतीय। एक तो इसको पराजित किया राष्ट्रकूट वंश के राजा को। इनके पिता कोई अमोघ वर्ष थे, थोड़ी बहुत लड़ाई उससे भी हुई थी, वो बेचारा मर गया था, फिर इसको सौंप दिया, इसको पीट दिया। इधर पाल वंश का राजा था वो धर्मपाल, मर गया, उसका पुत्र राजा बना था देवपाल। पाल वंश का कौन बना था? इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में दोनों को हरा दिया। किस किस को? राष्ट्रकूट और पाल वंश वालों को। इसलिए प्रश्न बना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन था? अंतिम रूप से विजेता मिहिर भोज है। और ये बस 150 साल तक युद्ध चलता है, कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष अब तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा महिपाल तक। तो कुल मिलाकर ये 150 साल चला और इसमें जीत किसकी हुई? त्रिपक्षीय संघर्ष में गुजर प्रत्यारों की। किस क्षेत्र को लेकर चला था? जन्मदाता कौन था? वत्सराज जन्मदाता था। तो ये सारी की सारी बातें इसके त्रिपक्षीय संघर्ष की थी। इनके बाद अगर बात करें तो इन्होंने, इनके दरबार में एक अरबी यात्री आया था और उस अरबी यात्री का नाम था सुलेमान। काल परसों का पेपर में आपने सेकंड ग्रेड में, अरबी यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख किया और इसने वहां जाकर पूछा। देखो, एक भी अरबी को भारत में नहीं घुसने दिया, मिहिर भोज ने एक भी अरबी को भारत में घुसने ही नहीं दिया। तो ये सुलेमान आया, पढ़ा लिखा विद्वान था, यहाँ से वापस गया, अरबियों ने जाते ही पूछा, बोले बता कसों का आदमी है कि भई? इसने कहा आदमी बहुत शानदार है, उसके पास इतनी सेना, उसका राज हिंदुकुश पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक है और सबसे शक्तिशाली राजा है, लेकिन एक कमी है। बोले अब्बा के, बोले इस्लाम का तो शत्रु ही पड़ा है। तो मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु किसने कहा? सुलेमान ने। कल परसों वाले प्रश्न में यह दिया था, किस विदेशी यात्री ने मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख किया है या उनका वृतांत लिखा है? तो उत्तर क्या आना था? यहां मैं दूसरा नाम और बता रहा हूं, गलती क्यों होती है। आगे एक शासक बनेगा महीपाल, महीपाल फर्स्ट पढ़ेंगे हम। और महीपाल फर्स्ट के दरबार में एक इराक का यात्री आया था, अल मसूदी। इराक का यात्री कौन आया था? अल मसूदी। अल मसूदी जो था ये इराक का है, वैसे ये भी अरबी है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, मस्कत, ओमान, सारे अरब कंट्री थे, तो ये इराक का है। ये आया इसके समय, ओ ऑप्शन में दी, जब इको प्रश्न पूछे जना पहली ऑप्शन में ओ आवे, इको प्रश्न पूछे जना पहली ऑप्शन में इनमें तो यो आवोगो और इम यो आवोगो, और आफा बैठे बिल्कुल गड़बड़ होगी। सुलेमान तो किको और अल मसूदी किको, तो सुलेमान तो किसके काल का है? अल मसूदी किसके काल का है? महीपाल के काल का। ये दोनों ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये आया था। इसने कुछ सिक्के चलाए थे और सिक्कों के ऊपर तांबे का सिक्का था, उसका नाम था द्रुम, और चांदी का सिक्का था, उस पर नाम लिखाया था आदिवराह। तो द्रुम व आदिवराह नाम से सिक्कों का प्रचलन, तांबे और चांदी के सिक्कों का प्रचलन करने वाला शासक भी कौन? मिहिर भोज। तो सबसे शक्तिशाली राजा है, एग्जाम की दृष्टि से भी ठीक है, इतनी सी बात है। पहली बात, किसका पुत्र था? रामभद्र का, और इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। माता का नाम क्या था? अप्पा देवी। जानकारी के स्रोत, ग्वालियर प्रशस्ति, दौलतपुर अभिलेख और राजतरंगिणी। इनके काल त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्हें राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण तृतीय को हराया था और पाल वंश के राजा देवपाल को हराकर जीता था। इनके समय एक अरबी यात्री आया था, कौन? जिसने इनकी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए इनको क्या कहा था? इस्लाम का शत्रु कहा था। कोई चांदी के सिक्के चलाए, एक तांबे का, एक चांदी का, आदिवरा और द्रुम नाम से छापो। अब रामभद्र कोई काम को तो है, लिख लियो, कोई काम को कौन नहीं, जोरा मर्दी पन्ना ही खड़ा करा, मैं तो लिखा तो रामभद्र इसके पुत्र थे। लिख लो दो नाम, कभी कर्म पूछ ले तो। वैसे कर्म मेरा पीछे लिखवाया हुआ है, हाल तक कॉपी कौन ले आना?
कॉपी में लिख लिया पिछला? पक्का? मैं कल चेक करूँगा कॉपी, लिखना ही सारा। लिखो 833 से 836, रामभद्र 833 से 836। पहला पॉइंट लिखो, रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। नीचे लिखो, मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का पितरहंता शासक कहा जाता है। और अब पॉइंट डालो, मिहिर भोज लिख लिया। पहले पॉइंट को मिहिर शब्द का अर्थ, मिहिर शब्द का अर्थ है सूर्य का प्रतीक। अगला पॉइंट लिखना, गुर्जर प्रतिहारों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। अगला पॉइंट लिखो, भोज प्रथम की जानकारी के स्रोत। कार्यकाल नहीं लिखाना आपने, मिहिर भोज का कार्यकाल थोड़ी लिख लिया। लिखो भोज प्रथम की जानकारी के स्रोत। नंबर एक, ग्वालियर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में लिखना, उपाधि मिहिर व आदि वराह की मिलती है। किसकी उपाधि है? मिहिर भोज की उपाधि मिहिर व आदि वराह। आदि वराह के तो वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, अंडरलाइन कर लेना। किसकी उपाधि है? मिहिर भोज की या भोज फेस्ट की है। मिहिर और आदि वराह की उपाधि। फिर इसी में नीचे लिखना, मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख। ग्वालियर प्रशस्ति में लिखना, मिहिर भोज की उपलब्धियों का उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है।
ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। अगला पॉइंट लिखना, दौलतपुर अभिलेख में, दूसरी जानकारी का स्रोत लिखो, दौलतपुर अभिलेख। दौलतपुर अभिलेख में उपाधि प्रभास की मिलती है, उपाधि प्रभास मिलती है। तीनों एक जगह लिख लो, भोजफेस्ट की उपाधि, भोजफेस्ट की उपाधि। दौलतपुर अभिलेख, हाँ जी, देखो इसमें वैसे पूरी जानकारी तो मिलती नहीं, लेकिन अनुमानतः ये माना जाता है कि ये मंडोर वाले क्षेत्र में था, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है ना वहाँ का माना जाता है, लेकिन पूर्ण उल्लेख मिलता नहीं कहाँ पर है। बस उपाधि का जरूर पता मिलता है कि दौलतपुर अभिलेख में इनकी उपाधि कौन सी थी, प्रभास थी। और कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर लिखवाऊँगा कि कहाँ, ठीक है। तो तीन उपाधि, ये एक उपाधि इसमें, दो उसमें। कभी ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से भोजफेस्ट की उपाधि नहीं है या मिहिर भोज की उपाधि नहीं है, तब तीनों एक जगह लिखा रहा हूँ। तो लिखना भोजफेस्ट की उपाधि, मिहिर आदिवराह और प्रभास, मिहिर आदिवराह और प्रभास। तीसरा जानकारी का स्रोत, तीसरा सीधा ऐसे लाइन में लिख लेना, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में, कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में भोज प्रथम की जानकारी मिलती है। कलहण की पुस्तक राजतरंगिणी में भोज प्रथम की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखना, इसका तो साथ ये भी लिख लेना थोड़ा सा, राजतरंगिणी के आठ भाग है और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, क्योंकि आपके इंडियन हिस्ट्री है इसलिए लिखा रहा हूँ। राजतरंगिणी के आठ भाग हैं इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। कश्मीर का इतिहास मिलता है। लिख लिया, ये आगे आपको पूरी पढ़ाते रहेंगे। अगला पॉइंट लिखना, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत है। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत है मिहिर भोज ने, त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लड़ाई सारे कन्नौज की है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पालवंशीय शासक देवपाल को, बंगाल के पालवंशीय शासक देवपाल को वह राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण तृतीय को
पराजित किया था। लिख लिया, नीचे लिखो, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता था। एग्जाम में आया हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता था ऑप्शन में ऐसे पूछा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन में था प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, गढ़वाल वंश। तो गढ़वाल इसमें शामिल नहीं है, इसलिए तीनों बातें याद रखनी है। अंतिम रूप से जीता कौन है? मीरभोज ही जीता है। ठीक है, अब बात सुनना कि ये दोनों को हरा देता है और जीत जाता है, लेकिन अगर यहाँ से फिर प्रश्न पूछ ले कि त्रिपक्षीय संघर्ष कुल कितने वर्ष चला और अंतिम रूप से विजय किस राजवंश की हुई, तो प्रतिहार वंश है। तो एक लाइन और लिखना, त्रिपक्षीय संघर्ष संघर्ष 150 वर्षों तक चला था। कई बार 100 भी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखना 150 सही तो 150 ही है, अपन कई बार पेपर में को जानकारी रखते हैं बंदे को ज्ञान कितना आ गए, लिखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक चला था, जिसमें जीत किसकी हुई तो समझ जाना भाई अगल बगल की बातें कर रहा है। 150 वर्षों तक चला था, जिसमें अंतिम रूप से विजय गुज्जर प्रतिहारों की हुई थी, जिसमें अंतिम रूप से विजय गुज्जर प्रतिहारों की हुई थी। लिखना एक बड़ी बात, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो नोट, लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के काल में, अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा पर आया था। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा पर आया था। कौन आया था? सुलेमान मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा पर आया था, जिसने जिसने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा था। इस्लाम का शत्रु कहा था, कहीं वृतांत पूछ ले भाई, वृतांत लिखने वाला भी कौन था, तो भी विदेशी यात्री है ही कौन? सुलेमान ही है। अगला पॉइंट लिखना, भोज फेस्ट ने आदि वराह व द्रुम नाम से, भोज प्रथम ने आदि वराह व द्रुम नाम से चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। आदि वराह तो है चांदी का, द्रुम है तांबे का, मैंने लाइन से लिखाया था। आदि वराह व द्रुम नाम से चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। हाँ, द्रुम तांबा। चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, किसने किया था? मिहिर भोज ने। कौन कौन से शासक पढ़ लिए? हरिश्चंद्र एक, रजिल दो, नागवट फेस्ट तीन, वत्सराज चार, नागवट सेकंड पांच, रामबदर छह,
मेरे बहुत साथ, आगे वालों के सबके पांच सात लाइन ही है, अब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। इनके बाद में महीपाल फर्स्ट नाम का राजा बना था, कौन बना था ना याद करो, तो ये हाँ कहें भर दो कुछ ही बोलो चाहे। महेंद्रपाल प्रथम नाम का राजा बना और ये 885 से 910 ईस्वी तक रहा, कौन महेंद्रपाल फर्स्ट। काल पढ़ेंगे आज थे तो पढ़ लियो, भी कोई ही ध्यान करना।